सुप्रभातम् अद्य दिवसस्य पञ्चाङ्गम् अद्य श्री श्वेतवराह कल्पस्य वैवस्वत मन्वन्तरः द्वितीयपरार्धः दक्षिणायनः शरत ऋतुः अश्विनमासस्य शुक्लपक्ष अष्टमी तिथिः बृहस्पतिवासरश्च तदनुसारं युगाब्द द्वाविंशत्यधिक एकपञ्चाशत्शतम् विक्रम संवत् 77-2000 सेप्टेम्बर मासस्य चतुर्विंशतिः तारिका अद्य दिवसः सर्वेषां कृते मंगलमयं भवतु इति विभो पदारविन्दयोः विनम्र प्रार्थना। जणे साधु नदी कूळरे निजर एक छोट कुड़िया मध्यरे सर्वदा भजन साधनरे लीन रहुथिले। से जीवन रे केबे हेले असत्य न कहिबार संकल्प नेइथिले। दिने से उपासनारे लीन थिबा बेले जणे महिला ओ जणे पुरुषंकु बंचा बंचार गुहारी करी आसुथिबार देखिले। दुहे बामपाख जंगलर बुद्धागुड़िक मध्यरे लुचिगले। किछि समय परे हाथरे खंडा धरी किछि डाकू सेठारे पहुँचिले। सेमानंक सर्दार ऋषिंकु पचारिले, महाराज आपण कौन जणे महिला ओ जणे पुरुषंकु ए आड़कु आसिबार देखिछन्ति? सेमाने केउ दिगरे गले? साधु बुझिगले जे डाकुमाने तांकर पीछा करुछन्ति। प्रथमे त से कहिबा पई द्विधा प्रकाश कले, किंतु संकल्प कथा मने पड़ी जिबारु से केउ दिगरे गले था जणाय देले। डाकुमाने सेई महिला ओ पुरुषंकु धरि नेले एवं सेमानंकु हत्या मध्य करि देले। जेतेबेले सेई साधुंकर मृत्यु हेला त तांकु नरकवासर दंड दियागला। से धर्मराजंकु कहिले, मु आजीवन साधना भजन करिछि, सत्य संकल्प पालन करिछि, तथापि मते नरक को निया जाउछि काहेकि? धर्मराज कहिले, सत्य ओ असत्य, धर्म ओ अधर्म निर्णय विवेक द्वारा होता है। तुम द्वारा कहा जाइथिबा सत्य कारणरु जणे महिला ओ जणे पुरुषंकर असमयरे मृत्यु होइगला, सेथिपाई तुमको नरक भोगिबाको पड़िबो।